श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा कल तो मुड़ शुरू हो गई है। सिख श्रद्धालुओं का जत्था भी यात्रा लई रवाना हो चुका है। उत्तराखंड में कुदरती क्रोपी तो बाद सारे रस्ते बंद हो गए सन अते हेमकुंड की यात्रा विच ही रोक दिती गई सी। गुरुद्वारा गोबिंद धाम गुरुद्वारे नूं हड़ां कारण भारी नुकसान पहुंचा सी। बोले सो निहाल सत श्री अकाल दे जयकारियां नाल इह यात्रा शुरू हुई। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने इस यात्रा का शुभ आरंभ करदिआं कहा कि जिहड़े भी पुल तबाही कारण टुट गए हैं उन्हां दी मुरम्मत कर दित्ती गई है। उन्हां कहा कि गंगोत्री यात्रा भी छेती ही शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ की यात्रा लई सड़क तैयार है पर श्रद्धालुओं की गिनती बारे अजे फैसला होना बाकी है। उन्हां लोकां दे नाल नाल प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी धन्नवाद किया अते कहा कि उन्हां दे सहयोग बिना उत्तराखंड मुड़ लीह ते नहीं आ सकदा सी। बहुत बड़ी तबाही हुई गोविंद घाट के क्षेत्र में। उत्तराखंड का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो है प्रकृति के तांडव से नष्ट हुआ है, लेकिन लोगों का हौसला है और सरकार की नीयत है कि आज देखिए हमने हमारे प्रयास से हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू होने जा रही है और जो हमारा जो गंगोत्री है उसका भी मार्ग बन गया है, गंगोत्री भी लोग जा सकते हैं। केदारनाथ का भी मार्ग थोड़ा सा कठिन है, वहाँ से भी लोग पहली अक्टूबर से हम उनको जाने देंगे संख्या में। तो आज हम पर्यटन को वापस ला रहे हैं, यात्री वापस आ रहे हैं, हमारा सारा विकास पर्यटन में जुड़ा है। यहाँ एक बेस अस्पताल की मांग भंडारी जी ने करी जिसको मैंने स्वीकृत किया है और यहाँ हेलीड्रोम बनेगा ताकि हेलीकॉप्टर आ सकें। जो होटल वालों की जो संपत्ति नष्ट हुई है नदी के कटान से उनको भी मुआवजा मिलेगा और जो कटान हुआ है इसको 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 रोकने के लिए सुरक्षा दीवार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आएंगे जो यहाँ काम करेंगे। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।